एक बात अब मैं आपसे कह सकता हूँ, एक्सटेंडिंग द बाउंड्रीज एंड रीचिंग ग्लोबली। आज हमने अपना यूएई ब्रांच ऑफिस और यूके ब्रांच ऑफिस की शुरुआत की है। हमारे चैनल में बहुत समय से हम इस बात को ऑब्जर्व कर रहे थे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो यूए से हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूके से हैं, इंडिया से तो खैर हैं ही, नेपाल इसके अलावा बाकी कंट्रीज से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे चैनल के कॉन्स्टेंट व्यूअर बने रहते हैं और उन सभी की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। तो इन्हीं क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हमने इन दो कंट्रीज के अंदर अपने ब्रांच ऑफिस खोले हैं जिनका फ़ोन नंबर आपको दिया जा रहा है। इन ब्रांच ऑफिस के अंदर आपको हमारे ऑनलाइन एजुकेशन, हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी और क्लास 9th और 10th के बच्चे जो भी अपने जिस भी तरह के डाउट्स वगैरह पूछना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन से कंसर्न है या केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डाउट है 9th और 10th क्लास के बच्चे, पर्टिकुलरली इन इलाकों के, उनके लिए हमारी ब्रांच ऑफिस रहेंगे। हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए तो खैर हम यहाँ पर हैं ही, लेकिन यूएई जिसके अंदर दुबई, शारजा, आपका अबू धाबी, इस तरह से जितने भी कंट्री वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ से फोन करके अपनी इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं। और यूके का कंसर्न जिसमें लंदन हो गया और जितने भी कंट्रीज यूके के अंदर आते हैं, वो सभी के सभी स्टूडेंट्स हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को सीख सकते हैं। तो बच्चों ये एक सेलिब्रेशन का विषय है, अब हम ही नहीं आप सभी बच्चे भी एक्सटेंड हो चुके हैं ग्लोबली, हमारे परिवार बढ़ चुका है, हमारे परिवार ने अपने पंखों को फैला लिया है और अब ये उड़ान आप सभी बच्चों की बहुत ऊंचाई तक जाएगी, आपके करियर को डेफिनेटली एक बूस्टअप मिलेगा। बच्चों अब बारी है हमारे केमिकल बॉन्डिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपको इतना समझना है कि किसी मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरह की बातों को आपने सीखना है। अब सबसे पहले बात आती है कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आके दिया गया तो क्यों दिया गया, किन कारणों से दिया गया। देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपको सिखाऊं, कार्बन आपके पास है, कार्बन का कॉन्फिगरेशन आप समझते हैं 1s2 और 2s2 2p2 और एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाता है तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2p3 ये रहता है। अगर मैं मीथेन की बात करता हूँ तो यहाँ होता ये है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s में है, 3p में है, तो एक हाइड्रोजन जिसका कि 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इसके s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और तीन हाइड्रोजन इनके p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होंगे विद ऑपोजिट स्पिन, विद ऑपोजिट स्पिन रहेंगे, ये पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होंगे तीन हाइड्रोजन और इस तरह से यहाँ पर इनका बॉन्ड बनेगा। ध्यान से समझना इस बात को कि कार्बन के पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो चार हाइड्रोजन आएंगे, पहला बॉन्ड बनेगा जो एस एस ओवरलैप होगा और एस एस ओवरलैप से एक बॉन्ड बनेगा, फिर एक एस और पी, हाइड्रोजन का एस और इसका पी, इसे एस पी ओवरलैप कहा जाएगा, एस पी ओवरलैप, ये हुआ एस एस, ये बॉन्ड बनेगा, फिर अगला भी sp ओवरलैप से बनेगा और फिर अगला भी sp ओवरलैप से बनेगा, इस तरह से बनेंगे चार बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल, जैसे पहले में ss है फिर sp है, अगर डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल हैं तो इनकी शेप भी अलग अलग होगी, s और s की शेप तो स्फेरिकल होती है, s की शेप स्फेरिकल, p की शेप डम्बल, इसका मतलब इन चारों की शेप सेम नहीं होगी और क्योंकि चारों ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट है तो इसका मतलब इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। लेकिन प्रैक्टिकली पाया गया कि इन सभी ऑर्बिटल की शेप भी एक जैसी थी और इनकी एनर्जी भी एक जैसी थी, शेप भी एक जैसी थी, एनर्जी भी एक जैसी थी, ये प्रैक्टिकली पाया गया। अब साइंटिस्ट को लगा सन्नाटे में झन्नाटा, ये क्या हो गया, इन सभी की शेप भी एक जैसी है, एनर्जी भी एक जैसी है, तो क्या करें। तो वहां पर उन्होंने एक कंसेप्ट को कहा जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कहते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट देखिए क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि जब जब एटम के अंदर बॉन्डिंग होनी होती है, जब जब एटम के अंदर बॉन्डिंग होनी होती है तो सेंट्रल एटम के सभी ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। यहाँ बॉन्डिंग होनी है सेंट्रल एटम कौन, कार्बन, तो इसने कहा कि इसके सभी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे और नए ऑर्बिटल बनेंगे और उन नए ऑर्बिटल की शेप भी एक जैसी होगी और उनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी, यानी ये चारों के चारों इंटरमिक्स हो गए और चारों के इंटरमिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल बने चार, जिनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी और जिनकी शेप भी एक जैसी होगी। अब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक मिनट जरा इसको हम ठीक कर दें, इस बात को हम
डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं कि एक एस ऑर्बिटल है, तीन पी ऑर्बिटल हैं, एक वाई एक्सिस पे होगा, एक जेड एक्सिस पे होगा, एक एक्स एक्सिस पे, चारों के चारों इंटरमिक्स होते हैं और चार नए ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी शेप भी एक जैसी होती है, जिनकी एनर्जी भी एक जैसी होती है। इन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इनके साथ अब हाइड्रोजन ओवरलैप करते हैं और इस तरह से मीथेन का मॉलिक्यूल मिलता है जहाँ चारों के चारों ऑर्बिटल एक तरह से पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और इस तरह से मीथेन का मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ बनता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों बनी? हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत इसीलिए बनी क्योंकि हमें ये एक्सप्लेन करना था कि सभी बॉन्ड की एनर्जी सेम है, सभी की शेप सेम है, आखिर ऐसा क्यों है। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की हमें जरूरत पड़ी। अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन कितनी तरह की है। तो हाइब्रिडाइजेशन को जान लो, हाइब्रिडाइजेशन है जब एक एस और एक पी ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसकी शेप याद रखना लीनियर शेप होती है, जैसे BeCl2 इस तरह से होता है, BeCl2 बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ऐसे ही दूसरी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल BCl3, ये इस हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ये याद रहेगा। थर्ड है sp3, ये होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और यहाँ एग्जाम्पल सबसे कॉमन एग्जाम्पल मीथेन का है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का। फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन DSP2, यानी यहाँ याद रखना NS है, NP है और N-1D है। मतलब ये है N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर ये 4S है, 4P है, तो D कौन सा होगा? 4-1, 3D। 4S 4P वैलेंस शेल के, और ये हुआ 3D अंदर वाली शेल का इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पर होती है, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये कंपाउंड बनते हैं जिनको आगे आप कॉम्प्लेक्सेस में सीखेंगे, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। अगली हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, ये ns, ये np, ये nd, यानी 4s 4p 4d। बाहर वाला d, पहले वाले में अंदर वाला डी था, उसका नाम इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ये बाहर वाला डी है तो आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। और शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये इस शेप का नाम होता है। हर एक शेप का नाम याद रखना है, जैसे PCl5 तीन क्लोरीन एक ही प्लेन में ट्राइगोनल, ये ज्योमेट्री होगी, एक ऊपर की तरफ गया, अगर इसके किनारों को मिलाओगे एक पिरामिड बनेगा, एक नीचे की तरफ गया किनारों को मिलाओगे एक पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनता है। जो बॉन्ड अबव द प्लेन होता है उसे एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, बिलो द प्लेन वाले को एक्सियल कहते हैं, और जो इन द प्लेन होते हैं उन्हें इक्विटोरियल बॉन्ड कहा जाता है। तो PCl5 में दो हैं एक्सियल और तीन हैं इक्विटोरियल। अगर आपसे पूछें इक्विटोरियल इक्विटोरियल में बॉन्ड एंगल कितना है ये इक्विटोरियल में, तो जवाब होगा 120 डिग्री। अगर आपसे पूछें एक्सियल एक्सियल में बॉन्ड एंगल कितना है, यानी इस एक्सियल और इस एक्सियल में बॉन्ड एंगल कितना है, जवाब होगा 180 डिग्री। लेकिन पूछे अगर एक्सियल इक्विटोरियल में बॉन्ड एंगल कितना है, तो जवाब होगा 90 डिग्री। इस हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं ये तीन तरह के बॉन्ड एंगल, तीनों बॉन्ड एंगल यहाँ से याद हो जाएंगे। ऐसे ही सिक्स्थ होगी DSP3, दोनों में फर्क क्या होगा, ये NS, ये NP, लेकिन ये N-1D। पहले वाले में था 4s 4p 4d, लेकिन अब क्या होगा 4s 4p और ये 3d, अंदर वाला शेप वगैरह बिल्कुल सेम रहेंगी, कोई फर्क नहीं। ऐसे ही sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसकी शेप को हम ऑक्टाहेड्रल के नाम से पहचानते हैं, या जो मैं बोल रहा हूँ नोट कर लेना, स्केयर प्लेनर बाई पिरामिडल, इस ज्योमेट्री के नाम से भी इसको पहचाना जाता है, स्केयर प्लेनर बाई पिरामिडल। अगर ये NS है, NP है, तो ये ND होगा, 4S, 4P, 4D। और शेप कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल, SF6 का एग्जांपल ले लो, चार बॉन्ड एक ही प्लेन में, ये होगी स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री, वन अबव एंड वन बिलो, स्केयर प्लेनर बाई पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। अगर आप देखोगे इक्विटोरियल इक्विटोरियल में 90, एक्सियल इक्विटोरियल उसमें 90। हाँ अगर पूछें जो अबव द प्लेन फ्लोरीन है और जो बिलो द प्लेन है उसमें कितना, तो वो कितने का होगा, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा।
ऐसे ही यहाँ पर d2sp3 भी सेम रहेगी, बस फर्क कि n-1d होगा और ns होगा, np होगा, यानी 4s4p है तो d आपका n-1 यानी 3d ऑर्बिटल रहेगा। ये हो गई 8 तरह की हाइब्रिडाइजेशन। इन 8 तरह की हाइब्रिडाइजेशन को ध्यान रखना, चाहे पॉज करके याद रखना, चाहे इसको रिपीट करके देखना, ये 8 तरह की। इसके बाद 9th हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसे हम sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और इसकी शेप को हम कहते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इस शेप का नाम होता है। एग्जाम्पल है IF7 यानी आयोडीन, 5 फ्लोरिन होंगे एक ही प्लेन में, पेंटागन बनेगा, 5 फ्लोरीन एक ही प्लेन में, ये IF5 पेंटागन, तभी नाम पेंटागोनल, वन अबव द प्लेन एंड वन बिलो द प्लेन। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बेटा बताओ एक्सियल कौन सा, तो जो अबव द प्लेन वो एक्सियल, बिलो द प्लेन एक्सियल, बाकी सारे इक्वेटोरियल बनेंगे। एंगल पूछे, एक्सियल एक्सियल में बॉन्ड एंगल कितने का है, एक्सियल एक्सियल दिख रहा है 180 डिग्री का। अगर पूछे एक्सियल इक्वेटोरियल में कितने का है, एक्सियल इक्वेटोरियल दिख रहा है 90 का, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कितने का है 72 डिग्री का, याद रखना। ऐसे ही लास्ट हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे पास अब आ चुकी है वो है d3sp3। क्या फर्क है, अगर ये ns ये np तो ये nd, यहाँ n-1d ns और np, शेप वगैरह बिल्कुल सेम रहेगी, यहाँ बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगी। तो अगर बाहर का d ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है तो उसे हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, अंदर का इस्तेमाल होता है तो उसे कहते हैं इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से याद रख सकते हो। सो नाउ वी कैन से इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, आउटर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल वाले का दूसरा नाम है लो स्पिन, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो नाम याद रख लेना, इसको हम लो स्पिन हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी पहचानते हैं और आउटर वाले को हम हाई स्पिन हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। इनर ऑर्बिटल में n-1d का इस्तेमाल होता है, आउटर ऑर्बिटल में nd का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये हमने जान लिया। अलग अलग शेप्स को हम बता चुके हैं, कौन सी शेप कहाँ पर है क्या है, अलग अलग शेप आप पढ़ चुके हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के कई मेथड हैं। पहला मेथड सीख लो स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर आखिर क्या होता है पहले ये जान लो। इसका मतलब होता है कि किसी भी एटम के पास सेंट्रल एटम, तो वी कैन से नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम। किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच हैं प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने लोन पेयर हैं सेंट्रल एटम से, कितने एटम अटैच हैं, लोन पेयर कितने हैं। जैसे मैं कहता हूं CH4, सेंट्रल एटम कार्बन, 4 एटम अटैच हैं, लोन पेयर नहीं है, स्टेरिक नंबर 4। अगर मैं कहता हूं NH3, यहां पर नाइट्रोजन से 3 एटम अटैच हैं, एक लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर 4। अगर मैं कहता हूं H2O, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, 2 एटम अटैच हैं, 2 लोन पेयर हैं, स्टेरिक नंबर 4 हो गया, स्टेरिक नंबर 4 हो गया। BF3, बोरोन से 3 फ्लोरीन अटैच हैं, 3+0, स्टेरिक नंबर 3 हो गया। इस तरह से स्टेरिक नंबर, PCl5, फास्फोरस से 5 एटम अटैच हैं, लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर 5 हो गया। अब याद रखिए स्टेरिक नंबर अगर आपका 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन में 2 ही ऑर्बिटल sp, 3 है 3 ऑर्बिटल sp2, 1 s और 2 p टोटल हो गए 3, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3। किसी भी मेथड से हम ये नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा, हम सिर्फ आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ही बता सकते हैं। अगर पूछें भाई मीथेन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, 4 है, 4 के लिए क्या जवाब आया sp3, अमोनिया में sp3, यहाँ भी sp3, स्टेरिक नंबर 3 क्या रहा sp2 और यहाँ क्या रहा sp3d। इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा आपको कि इन स्टेरिक नंबर से इस तरह से ये हुआ, जरा सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन इन Ab2, फाइंड करो इसका स्टेरिक नंबर। सेंट्रल एटम 2 एटम अटैच, एक लोन पेयर, 2+1 कितना हो गया 3, यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया आपके पास, विशेष इसको यहाँ ले लें तो सेंट्रल एटम से 2 एटम अटैच हैं और 2 लोन पेयर हैं, टोटल हो गया 4। सो वी कैन से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पर sp और यहाँ है sp3। इस तरह से आप स्टेरिक नंबर का इस्तेमाल हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की और जानते हैं इनके जवाब क्या हो सकते हैं, कितना आप अभी तक पहले से जानते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। PCl3 हमारे पास है,
SO3 हमारे पास है, PF5 हमारे पास है, NO3। पूछा गया है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर है, sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हमें पता है, जहां पर स्टेरिक नंबर 4 होना चाहिए। पहले ही कंपाउंड में देख लो, एक लोन पेयर है और तीन एटम अटैच है स्टेरिक नंबर 4, तो sp3 आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक नंबर 3 है हमारे पास, यहाँ पर स्टेरिक नंबर 5 है, तो हमारा जवाब ये हो जाएगा। द एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम। अब ये आपको स्ट्रक्चर दिए गए हैं, अब आप अच्छे से जानते हो कि sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 180 का, sp2 में 120 का, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट का। स्टेरिक नंबर पता लगाइए, यहाँ पर स्टेरिक नंबर कितना है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। यहाँ पर स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ स्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। हमें पता है sp में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 में होता है, फिर sp3 में, तो जिसमें sp2 है उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। जवाब आ गया, कंसेप्ट पता हो तो ज्यादा उलझने की जरूरत है ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन टोलीन, देखो बच्चों सॉल्व करके दिखाना, ये है टोलीन, आप सभी जानते हैं दिस इज टोलीन। जरा काउंट करो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों हो, वीडियो अब भी पॉज करो, काउंट करो, काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्या आप उन बच्चों में से हैं? नहीं, देखियो मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बार जरूर वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करो कितने हैं। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। टोलीन के स्ट्रक्चर को हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, हम इसके स्ट्रक्चर को पूरा इलेबोरेट करेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। लेट कार्बन, कार्बन के पास है 3 हाइड्रोजन, और फिर बेंजीन का कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड सो ऑन। और बेंजीन में हमें पता है कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और फिर है पाई बॉन्ड। अब जरा काउंट करो कितने हैं, ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। टोटल हैं 18 कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास, जिसके अंदर 15 सिग्मा बॉन्ड हैं और 3 पाई बॉन्ड हैं। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आ सकता है, आपसे गलती करवा सकता है। चेक कर लीजिए आपका आंसर क्या आया था, ये जब आपको कहा इन क्वेश्चन में देखो, डी ऑर्बिटल इन डीएसपी2 हाइब्रिडाइजेशन। डीएसपी2 हाइब्रिडाइजेशन में ये चीज याद करने की है, dx² - y², अगर sp3d होती तो वहां dz² होता है, लेकिन dsp2 में dx² - y², ये याद करने की चीज है। इनमें से कहां आयनिक कोवेलेंट डेटिव सभी बॉन्ड हैं, तो अब आप समझ सकते हो NH4Cl ये बना है, NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, आयनिक बॉन्ड तो आ गया, और NH4 के अंदर हमें पता हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट भी होता है, तो यहाँ पर आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी। वाटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, CCl4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, CaCl2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड होते हैं, तो NH4Cl हमारा एग्जाम्पल बनता है। द मॉलिक्यूल विच हैज पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप हम जानते हैं sp3 में लोन पेयर के साथ होती है, sp3 में लोन पेयर, यहाँ स्टेरिक नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ स्टेरिक नंबर 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहाँ भी sp2 आ गई एंड सो ऑन। सो वी कैन से PCl3, अगर इस देखो पिरामिडल शेप पहचान है sp3 की, जैसे NH3 का होता है कि जब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो और 3 बॉन्डेड एटम हो वो पिरामिडल होता है, ऐसे ये PCl3 इस टाइप से पिरामिडल शेप को ऑक्यूपाई करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जवाब बन जाएगा, इस तरह से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, जवाब अपने आप आएगा। N2 के अंदर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, दूसरे का भी 1s2 2s2 2p3, और p इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर लेंगे, कोई अनपेयर्ड नहीं होगा, ऐसे फ्लोरिन का अनपेयर्ड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जनरली जिसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन में 8 और 8 होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इस तरह से 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑड नंबर है तो वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ही। इन OF2 द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, ये है आपका OF2। अब इस OF2 में देख लीजिए, ये फ्लोरिन के पास भी, अब बस काउंट करना है आपको, और क्या करना है, जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड पेयर, जो उसके अलावा है वो लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 और 1 2, 2 तो हैं बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 and 8, ये हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब हमें पता हो BH4 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, और ये BH4 नेगेटिव होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। H H3O ये भी हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर
ऑक्सीजन के पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और NH2 नेगेटिव यहाँ नहीं होता। CO3 में हम विदाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। अगर -2 है तो इट कैन बी और कैन नॉट बी। तो वी कैन से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बट अगर ऑप्शन बी नहीं होता तो हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को ही हम मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोस्ट्रक्चर एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ध्यान रखो, आइसोस्ट्रक्चरल वो होते हैं जहां हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, वो होते हैं आइसोस्ट्रक्चरल। बस पता लगा लो, हर एक में हाइब्रिडाइजेशन निकालो और आपको अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जवाब। द शेप ऑफ सल्फेट आयन, सल्फेट आयन की शेप बतानी है आपको। SO4 -2 है, आप या तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। अब स्केयर प्लेनर तो जनरली हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं वो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आते हैं। ट्राइगोनल हो नहीं सकता क्योंकि चार एटम अटैच हैं, ट्राइगोनल के लिए sp2 होती है जहाँ स्टेरिक नंबर 3 होता है, या तो स्टेरिक नंबर 4 साफ साफ दिख रहा है। हेक्सागोनल तो मतलब ही नहीं है, हेक्सा तो इतने तो एटम भी नहीं है, तो टेट्राहेड्रल हमारे पास एक इकलौती ज्योमेट्री बचती है जो यहाँ पर हो सकती है। इस तरह से ये है इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट पाई बॉन्ड, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, देखिए किस तरह से है। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता है तभी आप इसका जवाब दे सकते हैं, वरना नहीं। ये है इसका स्ट्रक्चर C2 और CN4 ये है। अब आप देख लीजिए कितने हैं आपके पास यहाँ पे C2CN4। अच्छा, C2CN4 है आपके पास। ये मैं आपका स्ट्रक्चर बदल दूँ, ये मैंने C2CN2 बनाया है। C2CN4 देखिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल और ये ट्रिपल अगेन, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब बस काउंट करने की बारी है, काउंट कर लो कितने सिग्मा कितने पाई। ये एक सिग्मा, मैं सिग्मा बॉन्ड को यहाँ रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छः हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ, नाइन है सिग्मा बॉन्ड। पाई काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन है पाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन गया, ये ऑप्शन आपका आ गया। इस तरह से सॉल्व होंगे बच्चों क्वेश्चन। नाउ द मेटल इज MCl2, इट्स फॉस्फेट विल बी आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाने हमें आते हो तो तुरंत जवाब दे पाएंगे। देखो कैसे, MCl2 यहाँ से मालूम पड़ता है कि M की वैलेंसी है 2, क्योंकि इसकी वैलेंसी यहाँ होती है, M की वैलेंसी है 2। इसको फॉस्फेट के साथ कंबाइन करना है, फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3, -3 कह लो या 3 कह लो, बस इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर, तो बनेगा M3PO4 2, ये बनेगा और ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब आ जाएगा। XeF4 ये रहा, XeF4 लोन पेयर हमने यहाँ लगा दिए। अब देखो स्टेरिक नंबर क्या है, जिनोन से चार एटम अटैच हैं, दो लोन पेयर हैं, स्टेरिक नंबर 6, स्टेरिक नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन आपको सिखाई थी, sp3d2, जवाब हो गया ये आ गया। इंडिकेट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन डायमंड, डायमंड में किस तरह के बॉन्ड होते हैं। हमें पता है कि डायमंड के अंदर कोवेलेंट, या आप 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये है हाइब्रिडाइजेशन इन AgNH3O4, कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे, वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चन के जवाब जनरली मिल जाते हैं कि यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, अब आप देख लो, PCl5 फास्फोरस 5 की कोवेलेंसी दिखा सकता है। ये तो कॉमन बोर्ड लेवल पे भी क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आज की क्लास के अंदर करेंगे हम इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के साथ, लेकिन जरूरी है चीजों को साथ साथ रिवाइज करते रहिए। 15 सालों के क्वेश्चन को सॉल्व करना मत भूलिएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑल